हेलो फ्रेंड्स, मायापुरी न्यूज डे के प्रोग्राम वीकेंड एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूँ सिमरन। आइए देखते हैं इस हफ्ते की एंटरटेनमेंट न्यूज फटाफट। चौथे बच्चे की प्लानिंग में शाहरुख से आस्क एसआर के सेशन के द्वारा एक यूजर ने लिखा, ओ माय गॉड, मैंने एक सपना देखा था कि तुम चौथा बच्चा चाहते हो। शाहरुख ने यूजर के सवाल का जवाब देते हुए लिखा, ओ माय गॉड, बेहतर होगा कि मैं अब्राम के कपड़े बचा कर रखूं। अगर कहीं तुम्हारा सपना सच हो गया तब ये काम आएंगे। जैकी भगनानी ने शुरू किया अनंदवा। जैकी भगनानी ने फिल्म आनंदवा की शूटिंग शुरू कर दी है। ये फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी की क्लासिक आनंद से प्रेरित है। जैकी ने कहा, मैं ये भूमिका निभाने के लिए एक्साइटेड हूँ। रीमेक में नजर आएंगी आलिया भट्ट। फिल्म मेकर अश्विनी, अय्यर, तिवारी और आलिया भट्ट बहुत जल्द एक साथ काम करने वाले हैं। इस अनटाइटल फिल्म को एक लाइव ड्रामा पर आधारित कहानी बताया जा रहा है। इस फिल्म की कहानी देश तिवारी और स्क्रीन राइटर निखिल मेहरोत्रा ने लिखी है। भारत में सलमान के छोटे भाई शशांक। फिल्म भारत में शशांक अरोड़ा सलमान के भाई का रोल निभाने जा रहे हैं। शशांक फिल्म मंटो में भी एक अहम किरदार में नजर आने वाले हैं। वहीं अब सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करना उनके लिए एक बड़ी बात होगी। वायरस लेकर आ रहे हैं रामगोपाल वर्मा। फिल्म निर्माता रामगोपाल वर्मा ने अपनी अगली फिल्म वायरस की घोषणा की। वर्मा ने ट्वीट किया, मेरी अगली फिल्म का शीर्षक वायरस है और इसके निर्माता पराग संघवी होंगे। हसीना की कातिलाना अदाएं। ब्रिटिश ग्लैमरस मॉडल और टीवी स्टार बियांका बेहद खूबसूरत और हॉट हैं। वो दुबई में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं, जहां से उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं। उनकी तस्वीरों को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। खुशी ने कराया ग्लैमरस फोटोशूट। श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर ने हाल ही में एक फोटोशूट करवाया, जिस वजह से खुशी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। एक तस्वीर में वो ब्लैक कलर की ड्रेस और जैकेट पहने नजर आ रही है, जिसे क्रिश्चियन डायर ने डिजाइन किया है। मौनी राय की हैट्रिक। मौनी रॉय के सितारे बुलंदियों पर हैं। उन्हें तीसरी बॉलीवुड फिल्म मिलने की खबर है। वो जॉन अब्राहम के साथ फिल्म रॉ रोमियो अकबर वॉल्टर में नजर आएंगी। परमाणु की सफलता के बाद जॉन जल्द ही नई फिल्म रॉ की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। बिना बैंड पहने रेस्टोरेंट पहुंची एक्ट्रेस। यामी गौतम की बहन सुरीली जल्द ही फिल्म बैटल ऑफ सारागढ़ी से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है, जिसकी शूटिंग के लिए सुरीली बहन यामी के साथ सर्बिया गई है। उस दौरान यामी अपनी बहन के साथ एक रेस्टोरेंट गई। इस दौरान उन्हें मामूली सी बात के लिए रेस्टोरेंट से बाहर जाने के लिए कह दिया गया। दरअसल उन्होंने पैंट नहीं पहनी थी। चुंबक से चिपके अक्षय। अक्षय ने अभी हाल ही में मराठी फिल्म चुंबक देखी। इस फिल्म का निर्देशन संदीप मोदी ने किया है और गीतकार स्वानंद किरकिरे इसमें लीड रोल में है। इस फिल्म ने अक्षय को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने इसे प्रेजेंट करने का निर्णय ले लिया। कबड्डी खेलेंगी कंगना। कंगना ने अपनी अगली फिल्म भी साइन कर ली है। इस फिल्म में कंगना एक कबड्डी प्लेयर की भूमिका में नजर आएंगी। इस फिल्म का निर्देशन अश्विनी अय्यर तिवारी करेंगे। इस फिल्म में कंगना एक कबड्डी प्लेयर का रोल अदा करेंगी। रिवॉल्वर दादी तापसी पन्नू। तापसी पन्नू एक बार फिर से बड़े पर्दे पर रियल लाइफ रोल निभाएंगी। फिल्म में वो एक शूटर की भूमिका में होंगी, जो भारत की दो बुजुर्ग महिला शूटर चंद्रो तोमर और उनकी देवरानी प्रकाशी तोमर की जिंदगी से प्रेरित है। फिल्म का नाम वुमनिया रखा गया है। फिल्म का निर्देशक अनुराग कश्यप करेंगे। सिनेमा घर की चेन शुरू करेंगे सलमान। सलमान खान अब खुद के थिएटर्स की चेन लॉन्च करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। मुंबई के बाहरी इलाके में सलमान ने अपने पहले थिएटर का निर्माण भी शुरू कर दिया है। हॉलीवुड फिल्म में काजोल। काजोल ने हॉलीवुड फिल्मों में काम करने की इच्छा जाहिर की है। काजोल ने कहा कि वो पश्चिम की दुनिया को एक्सप्लोर करने और हॉलीवुड की फिल्मों में काम करने के लिए तैयार है। रेखा देंगी स्टेज परफॉर्मेंस। रेखा पूरे 20 साल बाद स्टेज पर परफॉर्मेंस देने जा रही हैं। वो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स में ठुमके लगाने वाली हैं। हालांकि वो पुराने गानों पर डांस करेंगी या नए गानों पर, इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। सुनील फिर बनेंगे मशहूर गुलाटी। सुनील ग्रोवर बहुत जल्द डॉक्टर मशहूर गुलाटी वाले किरदार को एक बार फिर से जीते हुए नजर आएंगे। इस बार टीवी पर नहीं बल्कि स्टेज पर वो लाइव ऑडियंस के बीच स्टेज परफॉर्म करेंगे। ये इवेंट 29 जून को दुबई में होना है। एक्स वाइफ के साथ मूवी डेट पर ऋतिक। अरबाज खान को उनकी एक्स वाइफ मलाइका अरोड़ा के साथ डिनर करते हुए देखा गया। मलाइका और अरबाज बेटी के साथ बांद्रा स्थित एक रेस्टोरेंट में डिनर करने गए थे। इस दौरान अरबाज की साली अमृता अरोड़ा की फैमिली भी साथ में थी। अमिताभ देंगे करोड़ों की मदद। अमिताभ बच्चन ने कुल 2 करोड़ रुपए की मदद का फैसला किया है। 1 करोड़ रुपए वह वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों के परिवार के लिए और 1 करोड़ रुपए उन किसानों के लिए जो कर्ज के बोझ के तले दबे हैं।
मायापुरी न्यूज रील के प्रोग्राम वीकेंड एंटरटेनमेंट में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए मायापुरी गढ़।